हेलो फ्रेंड्स और यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ लिटरेचर एंड सोसाइटी एंड सब्जेक्ट है हमारा लिटरेरी ऐसे अच्छा अब ये सब्जेक्ट मीन्स जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हम तो इसमें बात करेंगे कि लिटरेचर सोसाइटी का क्या लिंक है इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होंगे एंड देन कंक्लूजन किस तरह का होगा ठीक है लेकिन अगर आप इस ऐसे को रीड आउट भी करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा आप वहां पे आ, उस ऐसे को रीड आउट कर सकते हैं ठीक अब एनी हाउ हमारा लेक्चर जो हम करते हैं स्टार्ट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी ओपनिंग मैंने की है कोटेशन से ठीक है तो क्या मतलब है मिरर ऑफ सोसाइटी का सबको पता है कि लिटरेचर का सोसाइटी के साथ एक क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि okay? लिटरेचर होता क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट यानी टेक्स्ट की फॉर्म में हम लोगों को लाइफ की रिप्रेजेंटेशन मिलती है और लिटरेचर जो है वो सोसाइटी से क्लोजली लिंक होता है इंटरट्वाइंड होता है क्योंकि लिटरेचर के अंदर सोसाइटी जो है अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही हो सोसाइटी को लिटरेचर लेके चल रहा होता है लिटरेचर का मतलब सिर्फ सिर्फ स्टोरीज बताना या इंटरटेन करना नहीं है ये सोशल सोसाइटल वैल्यूज़ बिलीव्स कंसर्न्स को भी रिफ्लेक्ट करता है ठीक है और थ्रू लिटरेचर हम लोग जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे जैसे सोसाइटी इवोल्व होती गई है लिटरेचर खुद अपने साथ इवॉल्व होता जा रहा है ठीक है मीन्स लिटरेचर इवॉल्व हो रहा है तो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वाइस वर्ड और इसके साथ साथ क्या हो रहा है दोनों एक दूसरे के साथ जो है डायनमिक रिलेशनशिप इवॉल्व कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को और इस ऐसे के अंदर हम बात करेंगे कैसे लिटरेचर शेप आउट करते हैं सोसाइटी को और कैसे सोसाइटी शेप करती है लिटरेचर को ठीक है डेमोन्स्ट्रेटिंग अम्बो सिम्बियोटिक बॉन्ड ऑफ दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू ठीक तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ़ कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने क्या बात की है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी है अब सेकेंड पैराग्राफ जो कि हमारे पहले पैराग्राफ को स्पोर्ट करे उसमें हम दिखाएंगे लिटरेचर एज अ टन एंड चेंज क्या बात की है मैंने यहाँ पे पेन इज माइटर लिटरेचर जो है ना पावरफुल टूल है सोसाइटल रिफ्लेक्शन का और ट्रांसफॉर्मेशन का थ्रू द वर्क ऑफ राइटर्स वी विटनेस दॉर्टल ऑफ सोसाइटल नॉर्म स्ट्रगल एंड एक्सपायरेशन और जैसे यहाँ के आपको कोटेशन नज़र आ रही होगी द पेन इज मैटर देन वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जहाँ पे बताया जाता है कि जो पेन है वो एक हथियार से भी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि पेन जो है वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है ठीक है क्यों लिटरेचर है लिटरेचर को आप पेन के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हो और वो सोसाइटल चेंज के लिए रिफॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है आप अपनी राइटिंग के थ्रू बहुत सोसाइटीज़ को चेंज कर सकते हो रेवोल्यूशन ले सकते हो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो इनको प्रमोट कर सकते हो ठीक है जैसे कि हम रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बात करें इलाइटनमेंट कैप्चर की बात करें जैसे कि मैरी वर्ल्स एंड का बुक है अब इंडिकेशन फॉर द राइट ऑफ द राइट्स ऑफ राइट वहां पर वो सिविल राइट्स मूवमेंट की बात कर रही हैं ठीक है थीके? इस तरह इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग को यूज करते अपने पेन को यूज करते हुए रिफॉर्मेशन uh, uh, की बात करते हैं रेवोल्यूशन की बात करते हैं जो ओप्रेस्ड पीपल हैं सब्जुगेटेड पीपल है उनके लिए वॉइस रेज करते हैं उनकी रिफॉर्मेशन की बात करते हैं ठीक है तो बाय प्रेजेंटिंग व्यू प्रस एंड क्वेश्चनिंग लिटरेचर है वो एनकरेज करता है रीडर्स को टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एज सच इट बिकम्स एन एजेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ तो इस पैराग्राफ बात कर ली कि लिटरेचर जब एक टूल है सोसाइटल रिफ्लेक्शन का एंड चेंज का नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा अगेन फर्स्ट पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहा है एक बॉडी पैराग्राफ है जिसमें सोसाइटीज़ इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसल लिटरेचर की बात की जा रही है राइटर्स ड्यूटी इज़ टू रिफ्लेक्ट द टाइम्स जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोसाइटी है प्लेज अ क्रिशल रोल इन शेपिंग लिटरेचर लिटरेचर को शेप आउट करने में उसको इन्फ्लुएंस करवाने में देन उसके बाद उसको इवोल्व करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी राइटर्स जो हैं वो अपने कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्वामेंट्स जो हैं उनसे बड़े इन्फ्लुंसड होते हैं ठीक है और फिर उनको वो अपनी राइटिंग के अंदर प्रोड्यूस करते हैं जैसे कई आपने नॉवल्स पढ़े हैं अ जी ऑफ टू सिटीज़ वहाँ पे आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता लगा ठीक है इस तरह से ये किस तरह हमारे पास आ रहे राइटर्स हैं अपनी एज को रिफ्लेक्ट कर रहे अपने राइटिंग के थ्रू हमने पॉप को पढ़ा एटीन सेंचुरी में क्या सूरत हाल थी लीड क्लास की हम लोगों ने हम लोगों ने वहाँ से देखा सोसाइटी करप्ट थी से का जो थींस डोमिनेंट था सब कुछ हमने देखा पता कैसे लगा राइटर ने अपनी एज को अपने कल्चर को अपने पॉलिटिकल अपने इकोनॉमिक इन्वामेंट को रिफ्लेक्ट किया राइटिंग के अंदर जैसे कि यहाँ पे जेम्स वाल्विन कहते है, आप, हैं आई राइटर्स ड्यूटी इज़ टू रिफ्लेक्ट द टाइम्स ठीक है अब आपने चार्ल्स क्लासिकल्स के नॉवल्स पढ़े हैं वहाँ पे हम लोग को हार्ड रियलिटीज ऑफ़ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड की नज़र आती है पोस्ट कलोन लिटरेचर जो है वहाँ पर हम लोग पता चलता है कैसे जो है हिस्ट्री इम्पैक्ट हुई है कलोनाइजेशन से कोलोनाइजर्स का क्या रोल था कोलोनाइज के साथ क्या किया गया थ्रू एंड थ्रू पता कैसे लग रहा है राइटर्स लिख रहे हैं अपने टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं सोसाइटी का इफेक्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे सो थ्रू लिटरेचर सोसाइटीज़ कंसर्न्स

ट्रुथ्स हैं ह्यूमन नेचर के और सोसाइटी के उनको रिवील किया जाता है ठीक अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो इन कंक्लूजन लिटरेचर एंड सोसाइटी क्या कर रहे हैं म्यूचुअली इनरिच कर रहे हैं को आपस के रिलेशनशिप को लिटरेचर जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सोशल कमेंट्री के लिए और जो इंडिविजुअल हैं या सोसाइटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए इवॉल्व करने के लिए मोटिवेशन देता है इंस्पायर करता है और सेम टाइम सोसाइटी जो प्रोवाइड करती है कॉन्टेक्सट को जो शेप आउट करती है थीम्स को नेरेटिव को जो हम हमें लिटरेचर में नजर आते हैं जैसे कि फ्रेंच फिलोसफर है हमारे पास उन्होंने क्या कहा था नो प्रॉब्लम कैन विद स्टैंड द अजोल्ट ऑफ सस्टेन्ड थिंकिंग ठीक है एंड लिटरेचर इज पावरफुल मीडियम थ्रू विच सस्टेंड थिंकिंग अबाउट सोसाइटी टेक्स प्लेस दे आर द बॉन्ड बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी इज वाइटल टाइमलेस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ठीक है तो ये हमारा ऐसे था ये टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो ओवरऑल ऐसे की लाइक स्क्रिप्ट है आपको मिल जाएगी टेक्स्ट मिल जाएगा आपको रिटर्न आप उसको अप्रोच कर सकते हैं तो कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भू में खास याद रखिएगा स्टेट यून बी दस टेक केयर